Jai Hind aspirants, I hope you all are doing well. So here I am with the daily current affairs of 13th of October 2023. So without wasting much time, let's proceed. So the first most important news for today is India ranks 111 out of 125 countries in the Global Hunger Index. पिछले साल इंडिया की जो रैंक थी वो 107 थी, अब इंडिया और पिछड़ के 111 पे आ गया। ठीक है, कौन पब्लिश करता है इसको, क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, बट इट इज अ क्वाइट कंसर्निंग थिंग फॉर अस। सो इंडिया इज गेटिंग लाइक 28.7 स्कोर इन इट। स्कोर भी होता है उनका 0 से 100 तक, जिसमें 0 बेस्ट स्कोर होता है और 100 जो होता है वो वर्स्ट स्कोर होता है। इफ यू टॉक अबाउट अवर इमीडिएट नेबर्स लाइक श्रीलंका, उसकी हाईएस्ट है अमंगस्ट अवर नेबर्स। सो श्रीलंका जो है आपकी 60th रैंक पे है। उसके बाद अगर आप बात करें नेपाल की, सो नेपाल आपका 69 रैंक पे है। फिर अगर आप बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश इज इन 81st रैंक। इवन पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो रैंक है इसमें वो 102 है। तो हमें ये एक चिंता का विषय है, और जैसा कि भारत सरकार का स्टैंड है इस पे, तो भारत सरकार ने बोला है कि ये जो रैंक निकालने में जो मेथोडोलॉजी यूज की गई है दैट इज नॉट एडिक्वेट, सो दैट्स व्हाई दे डोंट बिलीव मच इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। दे जस्ट से दैट दिस इज पर्टिकुलरली रिपोर्ट टू बुली इंडिया, बिकॉज द रैंकिंग इज क्वाइट डिस्प्यूटेड, सैंपल साइज इज क्वाइट स्मॉल। 3000 के सैंपल साइज में इस चीज को मतलब लाइक कंसिडर किया गया है, एंड इसका जो चाइल्ड मोर्टैलिटी के साथ अनड्यू लिंक है उसको गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया है। इफ यू टॉक अबाउट राइट नाउ, जो इंडिया का स्कोर है दैट इज 28.7, वो इंडिया को एक सीरियस कैटेगरी में डालता है। ठीक है, अंडर नरिशमेंट रेट अपने यहाँ काफी हाई है, अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट जो है दैट इज 3.1%, एंड अनिमिया अमंग वुमेन, ओके, दैट इज ऑल्सो लाइक इट्स अ सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर अस। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। सो इट इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय एन एनजीओ दैट इज वर्ल्ड हंगर हाइल फे एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। सो जैसा कि मैंने बता दिया, 100 पॉइंट स्केल होती है, 0 बेस्ट है, नो हंगर, 100 इज द वर्स्ट स्कोर। इसका पर्पस क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो इन इश्यूज पे, जैसे अंडर नरिशमेंट, जैसे कौन सी पॉपुलेशन आपकी, कितनी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर नरिस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, सो इट रिफ्लेक्ट्स द एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, सो द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 विद लो वेट फॉर देयर हाइट, वो चीज इसमें कंसिडर की जाती है। चाइल्ड स्टंटिंग विच आर हैविंग लो हाइट एज पर देयर एज, एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी। तो ये 4 की इंडिकेटर्स हैं विच आर यूज वाइल कैलकुलेटिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एज सिंपल एज दैट। और ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कौन पब्लिश करता है, इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर टू। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज फॉर टुडे, दैट इज वॉर क्राइम लॉज इन्वोक्ड इन पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जोन। सो अभी आपको रिसेंटली पता ही होगा कि योम किपुर फेस्टिवल के नेक्स्ट डे ऑन 7th of October हमास हैज लॉन्च्ड एन अटैक फ्रॉम गाजा टू द इजरायली टेरिटरीज। ये सब आप सिटीज के नाम देख सकते हैं जो पॉइंटेड है इस मैप में, ठीक है, एंड इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने दिया था ऑपरेशन अलक्सा फ्लड। सो इसमें पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद, पहली बार हमने ऐसा देखा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इतने सारे वॉर क्राइम लॉज को, इंक्लूडिंग जेनेवा कन्वेंशन को स्टार्ट कर दिया गया, इनिशिएट कर दिया गया है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी आके बीच में मध्यस्थता बताई है और ये बताया है कि इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन, जहां दोनों तरफ से वॉर क्राइम्स की रिपोर्ट आ रही है, तो वहां पे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मीडिएशन रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं अपन अलग अलग जो इंटरनेशनल लॉज हैं जो कि रिलेटेड है वॉर क्राइम्स से, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज फार एज इवन योर मेंस प्रिपरेशंस आर कंसर्न, इट इज इम्पॉर्टेंट। तो जेनेवा कन्वेंशन की अगर हम बात करें, तो जेनेवा कन्वेंशन जो है आपने हैदर मूवी में शाहिद कपूर की स्पीच में सुना होगा, उसके अलावा काफी कुछ है इसमें। इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स, ओके, इट इज रेक्टिफाइड बाय ऑल द यूएन मेंबर स्टेट्स, और ये प्रोहिबिट करता है किसी को भी वॉर क्राइम करने से, सोल्जर्स की बॉडीज को म्यूटिलेट करने से, और प्रिजनर ऑफ वॉर्स को
पर्टिकुलरली अच्छे से ट्रीट करने में। 1999 के कारगिल वॉर में पाकिस्तान ने काफी बार जिनेवा कन्वेंशन का मतलब जो क्लॉज है उनको क्वैश किया था। देन देयर इज अ सेकेंड वॉर क्राइम रिलेटेड लॉ दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट। सो इट इज अ सीरीज ऑफ ट्रीटीज कलेक्टिवली नोन एज लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज। सो इट गवर्न्स द ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियन सोल्जर्स एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो ये जो है लॉज ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये गवर्नमेंट फोर्सेस जो आपकी आर्मी नेवी एयरफोर्स या स्पेशल फोर्सेस होती है उनमें होता है, उनमें अप्लीकेबल होता है। इवन जो ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे हमास के मिलिटेंट्स हैं उन पे भी ये चीजें अप्लाई होती है क्योंकि इट इज फॉर ऑल द ह्यूमंस। नाउ कमिंग टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट व्हिच इज देयर एट द सेम प्लेस वेयर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज देयर, दैट इज एट हेग। ओके, सो इट इज होल्डिंग द अथॉरिटी टू ब्रिंग चार्जेस अगेंस्ट द एलिजेड परपेट्रेटर्स इफ द डोमेस्टिक कोर्ट्स डू नॉट और कैन नॉट डू सो। तो अगर डोमेस्टिक कोर्ट्स अगर किसी भी इस तरह के वॉर क्राइम्स पे ट्रायल नहीं कर पा रही है तो उस केस में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बीच में मध्यस्थता करने के लिए आता है। बट इसके अगर आप बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो जो ग्लोबल सुपर पावर है जैसे चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, इंडिया, इजिप्ट, ये इसके मेंबर्स नहीं है। ठीक है, इवन अगर आप इसराइल की बात करें तो इसराइल भी इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को रिजेक्ट करता है और फॉर्मली इनकी बातों से अपना वास्ता नहीं रखता। सो दिस न्यूज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर जीएस पेपर टू। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज ये पिछले 20-25 सालों से, पिछले 30 सालों से कंटिन्यूअसली पूरे दुनिया का एरिया ऑफ कंसर्न है। एंड वॉट दिस न्यूज इज, दिस इज द होल इन ओजोन लेयर अबव अंटार्कटिका। सो रिसेंटली क्या हुआ कि सैटेलाइट मेजरमेंट ने बताया है कि देर इज अ जाइजेंटिक होल ऑफ 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3 times द साइज ऑफ ब्राजील। अगर आप ब्राजील की बात करें तो रशिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, दीज आर द 7 largest country ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ब्राजील 5th नंबर पे आता है। तो जस्ट इमेजिन ब्राजील से 3 गुना बड़ा एक होल वहां पे क्रिएट हो गया है। ओजोन लेयर, जैसा कि आप सबको पता है, नॉन साइंस वाले बच्चों के लिए ये जानने जानना जरूरी है कि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं या फिर ह्यूमंस के द्वारा काफी सारे पॉल्यूटेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, जिसको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या ODS बोला जाता है, तो उनके यूजेस से ओजोन लेयर में ये होल होता है जो कि आने वाले टाइम में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अब हमारे लिए ह्यूमंस के लिए कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर सेल इंड्यूसिंग होता है, वो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल को कैंसेरियस सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है। सो डिस्पाइट द प्रोग्रेस थैंक्स टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से काफी प्रोग्रेस देखने को मिला है हमें ओजोन लेयर डिप्लीशन में, लेकिन अभी भी काफी सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। सो ओजोन लेयर और ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओजोन लेयर कहाँ स्थित है? ये स्ट्रेटोस्फेयर, एटमोस्फेयर की लेयर है, वहां पे है। इट इज कम्पोज ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स धरती के अंदर। ये अगर आप ओजोन की बात करें तो ओजोन हमारे लिए कोई बहुत अच्छी गैस नहीं है, ऑक्सीजन बेटर है, बट ओजोन इज नॉट दैट गुड फॉर ह्यूमंस। बट एट द स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल इट इज एक्सट्रीमली गुड बिकॉज इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर अस। एक कंबल की तरह काम करता है जो आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें रोकता है एंड इट इज मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट्स। तो DU इसका बेसिक यूनिट है जिससे हम इसको मेजर करते हैं ओजोन लेयर के थिकनेस को। सो इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड एब्जॉर्बिंग एंड ब्लॉकिंग द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। अब ये इसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये रेडिएशन को ब्लॉक करता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर सेल इंड्यूसिंग होती है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करो तो इसमें होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलन्स एंड अदर, जो ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल के जितने भी मतलब हैलोजेंस हैं वो सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में आते हैं। सिंथेटिक कंपाउंड्स विच आर कॉमनली यूज इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स। सो आपके जितने भी फ्रिज, AC, इस सब से निकलने वाली गैसेस हैं वो सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में आती हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो आपने NCERT में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि क्लास 12th की जो बायोलॉजी की NCERT है उसके चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 16, ये 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपके एनवायरमेंट के बेसिक्स वहीं पे क्लियर हो जाएंगे।
So it is an international treaty which was adopted in 1987 to phase out the consumption of the ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. तो सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह तब बोला गया था कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम लोग यूज करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब आप लड़ने गए थे भेड़िए से, सामने शेर मिल गया. तो हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स की वजह से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग आने लगी, उसके लिए अलग प्रोटोकॉल आया. ठीक है, तो वो तो अलग कहानी है, उसको छोड़ते हैं. ओजोन लेयर राइट नाउ इट इज इन द फेज ऑफ रिकवरी. एनवायरमेंटल इंपैक्ट की अगर आप बात करें तो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद और अलग तरह की जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं ह्यूमंस में, उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है ओजोन लेयर डिप्लीशन. सो एडिशनल फैक्ट इसके बारे में मैंने कुछ दिए हैं, वो आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़ सकते हैं. So now let's move ahead and let me tell you that it is extremely important for your prelims and GS paper 1. Moving ahead to the next news, that is the latest GI tags. कल मैंने एक GI tag के बारे में बताया था, गोवा का एक प्रोडक्ट है. वो कौन सा प्रोडक्ट था, प्लीज लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इस महीने किस किस को मिला, जदेरी नमक हट्टी. जदेरी नमक हट्टी क्या है, यूनिक क्ले स्टिक्स होती है जो कि जदेरी नाम की जगह तमिलनाडु में पाई जाती है. एंड इट इज यूज टू अडॉन द मेन टेम्पल एलिफेंट्स, और ये वहां की कल्चरल रिचनेस को दिखाती है. चेय्यार तालुक है तमिलनाडु में, वहां पे मैन्युफैक्चर होती है फॉर सेंचुरीज. देन बसोली पश्मीना. बसोली पश्मीना की अगर आप बात करें तो पश्मीना आपको पता है, पश्मीना इट्स अ काइंड ऑफ वुल जो कि आपके चांगथांग प्लेटू में पाई जाती है, लद्दाख में. ठीक है, पश्मीना गोट्स उनकी वुल से बनाया जाता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, सो दिस इज अ टाइमलेस क्राफ्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट. देन द नेक्स्ट इज मरचा राइस. सो मरचा राइस जो है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में मिलता है, और उसके पर्टिकुलर रीजन जैसे मैंतार, गौनाहा और नरकटियागंज, इन सब जगहों पे पाया जाता है. इसको भी अभी GI टैग मिला है. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर राइस, सो इट इज बेसिकली फेमस फॉर वॉट, इट इज फेमस फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड इट्स यूनिक टेस्ट. सो ये सारी चीजें हैं जो आपके मार्चा राइस को यूनिक बनाती है. और जो लास्ट वाला है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई प्रोनंसिएशन, माई साउथ इंडियन फ्रेंड्स, इफ यू कैन लाइक स्पेयर मी, सो प्लीज स्पेयर मी. सो इट इज कॉल्ड एज अत्रेयापुरम पुथारे कुलू, एज पर माई लाइक प्रोनंसिएशन इट गोज लाइक दिस. सो इट इज लाइक फ्रॉम, इट इज अ ट्रेडिशनल स्वीट्स विच इज फ्रॉम द अथारेयापुरम विलेज विच इज ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर इन द कोना सीमा डिस्ट्रिक्ट, कोना सीमा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर. सो पुथारे कुलू, ये जो आप नाम देख रहे हैं पुथारे कुलू, इसका मतलब होता है कोटेड शीट्स. ठीक है, और इसको जो बनाया जाता है ये MTU 3626 राइस का एक वेरिएंट है, उससे बनाया जाता है. उस राइस को लोकली बोला जाता है बोन दा लू. ठीक है, सो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा. एंड दिस राइस इज चूजन फॉर इट्स यूनिक टेस्ट एंड इट्स एबिलिटी टू यील्ड अ स्टिकी कंसिस्टेंसी. ऐसे चिपचिपे से स्वीट्स होते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस राइस की प्रेजेंस. सो दीज आर द लेटेस्ट फोर GI टैग्स ऑफ इंडिजीनियस स्टफ फॉर दिस मंथ. एक पांचवा मैं आपको कल बता चुका हूँ, यू हैव टू टेल मी अबाउट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड दिस न्यूज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स. सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स ट्राई टू लाइक टेस्ट अवर सेल्स थ्रू PYQ. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर हियर, सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व हाउ मेनी ऑफ देम. सो द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स विच इज सिचुएटेड एट अजंता, बादामी, बाग और एलोरा. थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, अजंता. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. ट्रेडिशंस दिए हुए हैं और कुछ कम्युनिटीज दिए हुए हैं. चलिया साहब फेस्टिवल सिंधीज, नंदा राज जत यात्रा गोंड्स, वारी वर्कारी संथाल्स. ठीक है, तो चलिया साहब एब्सोल्युटली करेक्ट, सिंधीज में होता है. नंदराज जत यात्रा ये आपको उत्तराखंड में नंदा देवी टेम्पल में देखने को मिलती है, गोंड्स उत्तराखंड में नहीं पाए जाते. ठीक है, मतलब हाँ अब तो पढ़ाई लिखाई के लिए आ गए होंगे, बट ट्रेडिशनली वो वहां पे नहीं मिलते.
वारी वर्कारी जो है, दिस इज पर्टिकुलरली अ ट्रेडिशन ऑफ महाराष्ट्र, ओके, एंड संथाल, आप सभी को पता है संथाल हुल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? तो संथाल रिबेलियन कौन से स्टेट में हुई थी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड हु वाज इट्स लीडर, जस्ट लेट मी नो। सो ये दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, विच मेक्स द ऑप्शन ए टू बी द करेक्ट वन, दैट इज A1 ओनली। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स पता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। वंस अगेन 2017 का क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट। एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। 2 and 3 ओनली वर एसोसिएटेड विद द रैयतवारी। कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें, सो कॉर्नवालिस वॉज एसोसिएटेड विद परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जिसको हिंदी में बोलते हैं। So that's all from my side, students. I hope that you all enjoyed this video and found it informative. So at the end, as usual, I just want to say that study hard, practice hard, and have a wonderful day, guys. Stay healthy, stay awesome, because you all are awesome. Bye-bye, take care, and see you soon.